नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। आष्टा चुनाव प्रभारी भाई अल्पेश का किया जोरदार स्वागत। आज ग्राम मेहनतवाड़ा में भीष्म सिंह ठाकुर पप्पू डॉक्टर के घर पर एआईसीसी सदस्य एवं सीहोर जिला कांग्रेस के चुनाव प्रभारी भाई अल्पेश पुरोहित का भव्य स्वागत किया गया। अल्पेश पुरोहित सीहोर जिले के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, जो गुजरात से हमारे बीच विगत 4 महीनों से थे। अब जब चुनाव का समापन हो गया है तो उनके गुजरात वापस जाने पर उनका कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं उनके साथ पधारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष रतन सिंह ठाकुर का भी साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं अल्पेश पुरोहित ने सभी का आभार माना और प्यार और सबके स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जातिवाद और धर्मवाद के बंटवारे में पूरा प्रचार किया गया, फिर भी मुझे लगता है कि जनता ने बहुत ही समझदारी से पूरे इस देश के प्रदेश के विकास के लिए जो मतदान किया है, खूबी भारी मतदान किया है। और मैं समझता हूँ तब तक लोग जाति या धर्म में बंटवारा ना करते हुए प्रदेश के विकास के लिए और इस देश की प्रगति के लिए उन्होंने मतदान किया होगा, और आने वाले दिनों में जरूर किसानों की, महिलाओं की, छात्रों की, युवाओं की और संविधान के रक्षा के लिए ये सरकार कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। और कांग्रेस आएगी तो धर्म या जातिवाद पे बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, पर एकता अखंडता की राजनीति की तरफ आगे से ले जाएगी। सारे मतदाताओं ने जिस तरह से मतदान किया, सहयोग दिया और लोकतंत्र को बचाने की जो पूरी मुहिम में प्रजातंत्र ने साथ दिया, उस बदल सबका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस परिवार के सारे कार्यकर्ताओं का पर हृदय से मैं आभार करता हूँ। आने वाले दिनों में मां भारती की रक्षा के लिए अखंडता एकता की कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। जय हिंद, जय भारत। आष्टा से शेख फैजान की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।